चुनाव में भाजपा के प्राय सारे प्रत्याशियों का विरोध किया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपके भी जानकारी में होगा कि अभी 6-8 महीने पहले इस जगह जगह रामेश्वर टूटी जो प्रतिपक्ष के नेता है उनके कार्यक्रम में जहां सरकार का विरोध दर्शाया गया, किसान विरोधी सरकार बताएगी, उन सब में ये शामिल रहे जिनके ये सारे फोटोग्राफ वगैरह सारे मेरे पास पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति को थोपा गया है जिससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% लोग हमारे जो कार्यकर्ता है अगुवा है 90% वो सारे इसके विरोध में 90% आम जन से कभी इनका जुड़ाव नहीं रहा, कभी जन आंदोलन में भाग नहीं लिया, सिर्फ जहां किसी की पहुंच अच्छी है जिनकी अच्छी कहीं पकड़ होकर प्रभावित कर सकते हैं वहां तक हाजिरियां भरना इनका काम रहा है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि भाजपा के साथ सारी जातियां चुनाव में आगे बढ़कर साथ लेती आई है, हमारा कोई जातियों से विरोध नहीं है, हमारे सब साथ रहते हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अगुवा हैं, लेकिन अब युवा अध्यक्ष किसान मोर्चा अध्यक्ष शहर में भी किसान मोर्चा होता है, शहर के किसान मोर्चा अध्यक्ष और बीकानेर के प्रभारी मंत्री भी एक ही जाति से बढ़ाते हो तो लोगों को लगता है कि क्या ये राजपूत ब्राह्मण मूल ओबीसी सिर्फ यूज लेने के लिए है, इनको काम में ले लो वोटर के समय और उसके बाद में किनारे बैठा दो, क्योंकि उनको ये महसूस हो गया है कि साहब उनके तो लाखे ठोकोगे तब भी ये छोड़ के जाएंगे नहीं, इसलिए इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे ठीक नहीं लगता कि आप गोदी वाले बच्चे को छोड़ के पेट वाले की आस करो, तो इनको निश्चित तौर पर पार्टी को विचार करना चाहिए था, कहीं इसके लिए सलाह नहीं ली गई। गत दिनों में जिला भाजपा देहात का चुनाव होना था अध्यक्ष का, बहुमत जहां था उसको लगातार लगा रहे थे, ये बहुमत वाला नहीं आदमी तो दूसरा देंगे, चलो डॉक्टर विश्वनाथ को दिया हमें स्वीकार है, लेकिन उसमें कम से कम अगवा लोगों से सलाह तो ली गई, बिना सलाह के बिना किसी को कहे हमारे यहां के वो संगठन से प्रभारी हैं अपने मुकेश दादी तो बाद में खबर लगी कि साहब इस प्रकार से ये मनोनीत कर दिए गए, और भी जो हमारे प्रभारी उनको भी पता नहीं, तो कम से कम सलाह मशवरा तो निश्चित तौर पर होना चाहिए था। और ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि प्रदेश में भाजपा प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर संगठन को पार्टी को चलाने की जो बात कहती है कथनी और करने में स्पष्ट अंतर नजर आता है। इन सब हालात की वजह से मुझे तकलीफ हुई कि ऐसे व्यक्ति को जो आम कार्यकर्ताओं के बीच में न बैठे, जिनका कभी राजनीतिक गतिविधि में आंदोलन रूप से या किसी भी आम जन के कोई इशू को उठा के आगे आए, सड़कों पर आए, कोई मुद्दा उठाए, कभी वास्ता नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति को अगर देहात जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है तो हमने निर्णय लिया है कि जिला अध्यक्ष ये सही राम दुसार रहने तक हम जिला बैठकों का बहिष्कार करेंगे और
जिला अध्यक्ष का कहीं नेतृत्व होगा तो उन कार्यक्रमों का भी हम बहिष्कार करेंगे। ये सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी क्योंकि सब कार्यकर्ताओं को पीड़ा हुई थी, इसलिए ये बात आप तक पहुंचाने की आपके माध्यम से आम जन को कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचे। इसलिए केवल जिला भाजपा की बैठकों का विषय जिसका नेतृत्व है, हमें वो नेतृत्व स्वीकार है नहीं। सर ये जो बहिष्कार की बात आपने कही है, ये सिर्फ आप ही के द्वारा की गई है, बाकी जो नेता है विधायक है उनकी तरफ से किसी भी तरह की बात अभी तक नहीं आई है, क्या कहेंगे आखिर? तो मेरी मन की कह रहा हूँ, अब मेरी भावना से अंदर सारे कुछ कोई सहमत होगा कोई और विचार रखता होगा, लेकिन वो अपनी जान कांग्रेस पृष्ठभूमि की बात की आप सही राम सर, कांग्रेस पृष्ठभूमि में बीजेपी में बहुत सारे विधायक हैं जीते हुए हैं, हमारे देश में भोपाल जिले में भारत के लोगों का अंतर हुआ। ये तो लगातार इन्होंने जान बूझ के हमारे जो उम्मीदवार थे बीजेपी के चुनाव लड़ने को बीजेपी का मिलेगा उनका नुकसान पहुँचाया। अभी इसमें मिली भगत करके ये जो मंडी के चेयरमैन बने और लगातार अभी तक, अब इन्होंने सदस्यता भी कम जाके ली है, बात भाजपा की सदस्यता भी कम इन्होंने नहीं दी है। हाँ और जयपुर झालावाड़ का ली माउंट आबू में देखो कैसी सदस्यता है। किस आपको क्या लगता है किस आधार पर पसंद मिली हुई है, क्या कहेंगे किस आधार पर मैं की गई? भाई ये तो टिकट नहीं है, मैंने प्रभारी मंत्री हैं हमारे डॉक्टर राम प्रसाद जी, उनको भी मैंने अनुरोध जताया है सर। कुछ लोग मिले हैं आपसे, संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल ने बातचीत की है, डॉक्टर राम प्रसाद ने आपसे फोन पर बातचीत क्या तो बात डॉक्टर राम प्रसाद जी के तो मैंने खुद ही नहीं लगाया, विश्वनाथ जी अभी बुखार आ गया तो दूसरे से उसका लेना है। कोई अपने मुख से कहे जब है भाटी जी ये कहीं पे आपको कमजोर करने की बात तो नहीं है बीकानेर में, जिस तरह से ये बार बार जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, नहीं ऐसा ऐसे ऐसा लग रहा है कि ये सीधे आक्रमण आप पर हो रहे हैं बेसिकली, क्या आप जो बीकानेर में जिस तरह से एक सुप्रीमो की स्थिति में है बीजेपी के, ये जो जिस तरह की बातें हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सारे आक्रमण आप पे, विश्वनाथ जी को हटाना या जिस तरह का भी करना? मुख्यमंत्री महोदय को ये कह दिया था कि मुझे कोई भी बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन नहीं बनना, मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं MLA का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतनी कमजोरी कहाँ आती है, कोई फील्ड में मैं पीछे हटता नहीं, आम जन का मुद्दा होता है तो मुझे लगता है दूसरी बार मैं सड़क पर आ जाता हूँ। अब यहाँ कार्यकर्ता जनता साथ में कमजोरी सर, विश्वनाथ जी को तुषार जी को एक साथ कई कार्यक्रमों में देखा गया है, इस तरह की बात भी निकल के आ रही है क्या? नहीं साफ नहीं, लेकिन ये सब आपके ध्यान में है, ये भाजपा किसान भाव भी दिखा दी, ये सारी आई है अखबारों में, उनकी उपस्थिति अंडरलाइन की है। भाजपा सरकार ने आम जन से किया विश्वासघात, ये भी इनमें स्पष्ट संबोधित कर रहे हैं। तो सब कब के हो गया, जब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए? नहीं अभी भी कांग्रेस के साथ।
तो बांगी जी कांग्रेस के जो ग्रुप से उसमें एक मैसेज चल रहा है कि रामेश्वर डूडी जो है वो इतने मजबूत आदमी है कि उन्होंने भाजपा में भी अपना जिलाधिक सुनवा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों ने मुझे कहा कि ये तो उनका प्रतिनिधि बन के आप लोग बैठा है, अब आपके सामने पार्टी पक्ष की तो उसमें मुझे तो कहना जरूरी था, मैंने कह दिया, बाकी कोई अपना कहे ना। तो गांधी जी, इस तरह से आप जब बहिष्कार करेंगे और इस तरह की जो कार्रवाई आप बता रहे करेंगे तो पार्टी के बैनर में तो ये अनुशासनहीनता माना जाएगा और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे भैरव सिंह जी शेखावत कभी पार्टी में किसी कार्यक्रम में नहीं, वो अगर अनुशासनहीनता नहीं होगी। नहीं, आप विरोध करने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे विरोध होगा, भैरव सिंह जी तो भी इस पर विरोध ही किया था। हाँ, ये विरोध कहके जो मैं कभी भी उस कार्यालय जब तक ये बैठे नहीं तो विरोध भी होता है, मतलब एक प्रदर्शन या उस तरह का विरोध, वैसा प्रदर्शन जी हमें तो बात कहनी है। प्रदर्शन क्या, बाकी जी से बात कहते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री पे सोचा जाता है कि आप अगर करेंगे तो सही राम दूसरा तो बैठ ही नहीं पाएगा। बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि ये इस प्रकार के तिकड़मी लोग अगर आ गए तो कौन तो करेगा जन आंदोलन, कौन सड़कों पर आएगा, ये तो अंदर घुस के पड़ते के पीछे साठ गांठ वाले व्यक्ति है, वो तो नुकसान इसमें ज्यादा होगा। बाकी तो लगातार भाजपा सड़कों के ऊपर आंदोलन करते ही है, मुद्दा उठाते रहे, तो खुद सरकार यहाँ जयपुर और दिल्ली में होते हुए भी हम तो सड़कों पर आए, तो हमारे ये NH 15 का मामला था। दूसरे नाराज नेताओं ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? अभी तक तो कौन नाराज है, ये तो बड़ी सी बहुत चर्चा है, वो उनका कोई और मुद्दा होगा, हमारे तो यहाँ जिले का मसला है। बाकी साथ में जरूर ये प्रदेश का भी मैं संदेश को देना चाह रहा हूँ, आपको कहा भी है कि राजपूत ब्राह्मण और मूल ओबीसी इसको सिर्फ यूज में लिया जाता है राजस्थान में, और वोट लेने के बाद में इनको किनारे आलमारी में खड़ी जाएगा। प्रदेश भाजपा सरकार जो है, भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार 3 साल से काम करी, उसके बारे में क्या कहेंगे, सरकार के कामकाज से क्या कहेंगे? फिर भी आपको कितना लगता है सरकार कैसा काम करी? सरकार का आम जनता अपने आंदोलन से क्या होगा, सर जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं इस चीज का, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय मंच की पुनरावृत्ति तो नहीं होने जा रही है? मुद्दा है नहीं, मुद्दा हमारे यहाँ से तो 14% आरक्षण देने का पास होते वहाँ दिल्ली तक पहुँच गया, इसलिए वो मुद्दा अलग था, जब वहाँ चला गया तो यहाँ कोई रोड उसका रहा नहीं। फैसले प्रदेश भाजपा में कौन करता है, का इतना कद नहीं है कि वो इतना भाजपा के तो वो प्रदेश अध्यक्ष इसमें कोई सवाल नहीं करेगा, बकार भी जोर पड़ा है, बस हम लोग चक्कर में इसलिए सर ये बात आपको कैसे पता लग गई? हमारे भी वो फिर क्या रहती है।